खबरें विस्तार से। विदिशा जिला अस्पताल में दो अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से दो प्रसूता डिलीवरी कराने अस्पताल में भर्ती थी और आज दोनों प्रसूताओं के नवजातों के प्रसव के दौरान मौत हो गई। दोनों नवजातों के पिता और परिजन को जैसे ही अपने बच्चों की मौत की जानकारी मिली तो उन्होंने अस्पताल में हंगामा कर दिया। श्रीमंत माधवराव सिंधिया जिला अस्पताल में आज उस समय हंगामा और गहमा गहमी का माहौल देखा गया जब जिले के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों से आए पीड़ित अजय और पीड़ित सलमान की पत्नियों की आज डिलीवरी होनी थी और उसी दौरान दोनों परिवारों के परिजन को यह पता चला कि प्रसव के दौरान दोनों परिवारों के नवजात जन्म लेने के पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट गया, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। खबर लगते ही विदिशा कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों परिवारों के परिजनों को समझाइश दी गई, लेकिन वे किसी भी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं थे। घटना के बाद जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अनूप वर्मा भी वहां पहुंचे और उन्होंने समझाइश दी। अजय कहाँ से आए हो? सतोचक। क्या घटना हुई है यहाँ पे? यहाँ पर हम डिलीवरी करवाने आए थे, उन्होंने खींचतानी करी, बच्ची मर गई। कब आए थे, कहाँ से, कौन सी जगह से आए? हम सतोचक। क्या नाम है महिला आपको, मरीज का नाम क्या? अंजना लोधी। कितनी उम्र है? 21-22 साल। कब भर्ती कराया था? आज 8 बजे। तो बच्चा कब शांत हो गया? अब 11 बजे के लिए। मतलब वो वैसे शांत हो गया था कि मतलब इलाज के बाद? नहीं, वैसे शांत हो गया। बानो भी अस्पताल में कौन भर्ती था? हमारी लड़की। क्या नाम है? यास्मी। क्या हुआ था? उसका ऑपरेशन हो रहा था, ऑपरेशन नहीं करा और उन्होंने हाथ से बच्चे को हिला हिला के खींच दिया तो मर गया बच्चा। लड़की हुई थी। कौन डॉक्टर था? वो सी थी, उसको मार रही थी और हमसे भी जबरदस्ती अंगूठे पकड़वा के साइन करवा लिए उनने। हमने किया क्या, मन पड़े हमें नहीं आता साइन, तो उनने हमारा अंगूठे पकड़ के कि अंगूठा लगाओ। कौन रहने वाले हैं? हम तो गंजवासो दित पास पचमा गाँव में वहाँ के रहने वाले। उम्र हो गई लड़की? 23 साल। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद कह रही है कि ले जाओ बच्चे को, साइन करो और बच्चे को ले जाओ। कल के मैटरनिटी वार्ड में एक बच्चे की मौत का मामला सामने आया है जिसमें आरोप लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर की लापरवाही से घटना हुई है। हाँ, एक मामला संज्ञान में तो आया है कि एक बच्ची की मौत हुई है ड्यूरिंग डिलीवरी, इसके बारे में जांच की जाएगी और जो भी आरोपी होगा जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी उसके खिलाफ जाँच में पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना ये था कि ऑपरेशन से बच्चा होना था लेकिन नॉर्मल डिलीवरी कर दी। अब वो सब देखने एकदम बिना देखे बिना जाँच अभी नहीं बता सकता, तब उसके मरीज के साथ वालों से तथा डॉक्टर से बात करके ही आगे की कार्रवाई। जिस समय घटना हुई उस समय कौन, किस डॉक्टर की ड्यूटी थी? उस समय डॉक्टर एक पेशेंट रात में आई थी या सुबह, डॉक्टर डॉली थी उस समय। जी सर, दो घटनाएं हुई हैं ना आज? हाँ, दो बच्चों की, एक महिला और बच्चे। हमने जानकारी लेके बता पाऊंगा।